फोन। नमस्कार, भूषण पुनानी और श्री सूर सिंह, हम मिलकर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही रिसेंट जजमेंट आया है, इस जजमेंट को यदि आप समझेंगे और आपके अपने राज्य में अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तो हम हमारे देश में जो भी शिक्षा की पद्धति है, वो विशिष्ट पाठशाला हो या सम्मिलित पाठशाला हो, उसमें काफी तब्दीली ला सकते हैं। ये जजमेंट इतना बोल्ड है कि हम लोग पूरे शिक्षा का जो अभिगम है उसको बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जो जजमेंट रिट पटिशन नंबर 132, जो जजमेंट 28 अक्टूबर 2021 को आया, उसको समझना आवश्यक है। और इस जजमेंट ने बहुत खुशी होती है कि जितने हमारे संबंधित विधेयक हैं, पॉलिसीज हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और समग्र शिक्षा, जिसको पहले सर्व शिक्षा अभियान बोला जाता था, और IEDSS स्कीम, सभी इन योजनाओं को, विधेयक को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसका प्रावधान है कि हम विशिष्ट और सम्मिलित शिक्षा दोनों को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि इस जजमेंट का जो आधार है, एक जो दिल्ली स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन्होंने एक 2019 में रेशमा प्रवीण वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, एक बहुत ही बोल्ड जजमेंट दिया था। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आधार माना है और उस जजमेंट को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है। और पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, भले ही जो पेटिशनर थे वो दिल्ली से थे, यूपी और पंजाब इसमें जुड़े थे, लेकिन ये जजमेंट पूरे देश को लागू पड़ती है और हर प्रकार की शिक्षा, वो सम्मिलित हो कि विशिष्ट हो, उसको लागू पड़ती है। और उसका जो विशेष प्रावधान है कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन में जो विशिष्ट शिक्षक है, स्पेशल एजुकेटर है, उसके बारे में क्या प्रावधान है, उसका निर्देश दिया गया है और उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाए, क्यों अपॉइंट किया जाए, इसका निर्देश दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो पद्धति है, जो हमारा देश का कार्यक्रम है, उसको मान्यता दी है, उसको स्वीकार किया है। और कुछ मैं आपको हाईलाइट्स बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि भले पेटिशनर दिल्ली से थे, लेकिन ये जजमेंट पूरे देश को लागू पड़ता है और ये केवल उन स्टेट के लिए नहीं है जहां से पेटिशनर थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है पैराग्राफ 59 में कि ये जजमेंट पूरे देश को लागू पड़ेगा। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको एक दायित्व दिया है, एक जवाबदारी दी है कि कमिश्नर को उनके राज्य में सुओ मोटो, उनकी अपनी पहल पर ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये जजमेंट उनके राज्य में कितनी हद तक अमल में आई है, उसका क्या स्टेटस है, उसको सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट बैक करना पड़ेगा। और इसकी डेट थी February 2022 और ये जजमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, चर्चा चल रही है। इसके प्रावधान को अमल में लाने के लिए अभी भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बातचीत कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये जो जजमेंट है, ये स्पेशल एजुकेटर की कार्य शैली और कार्य पद्धति के बारे में नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हम केवल टीचर होना चाहिए, उसका अपना रोल है, लेकिन वो कैसे कार्य करेगा, वो कहाँ जाएगा, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्होंने और भी क्लैरिफाई किया है जो टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस है, जो उनको क्या सैलरी मिलेगा, कैसे होगा, ये कोर्ट में बताना पड़ेगा और ये उनको जानकारी देनी पड़ेगी ताकि कोर्ट को मालूम पड़े। और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये इंट्रीम ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है। अभी भी यदि कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट और कुछ सुधार करना चाहे अथवा राज्यों को निर्देश देना चाहे तो ये संभव है। और कोर्ट ने बताया कि ये कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम विचार नहीं है, मतलब कि अभी भी स्कोप है, इसमें और ज्यादा कुछ सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकती है। और मैं मानता हूं कि बहुत ही एक बोल्ड जजमेंट है और यदि आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप अपने राज्य में काफी एडवोकेसी कर सकते हैं। इसके साथ हम आज का एक एपिसोड पूरा करेंगे और दूसरे एपिसोड के साथ फिर से हम लोग आपके
सामने नए एपिसोड लाएंगे इन शब्दों के साथ। जय हिंद।